नमस्कार दोस्तों, एचपी एग्जाम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने एचपी जीके सीरीज का 8th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है हिमाचल प्रदेश का गठन और पूर्ण राज्य की प्राप्ति। ये टॉपिक मैंने आपका प्रशासन चैप्टर से लिया है। इसमें हम हिमाचल प्रदेश का गठन देखेंगे और पूर्ण राज्य की प्राप्ति तक का सफर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम हिमाचल प्रदेश का गठन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। तभी आपका हिमाचल डिवीजन 15 अप्रैल को मनाते हैं और उस समय हिमाचल को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया, यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और आपके जो पहले मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर थे वो थे आपके एनसी मेहता। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। तो आपके पहले मुख्य आयुक्त थे एनसी मेहता और टोटल आपके हिमाचल में 3 मुख्य आयुक्त रहे, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड थे आपके ई पेंडल मून और थर्ड एंड लास्ट थे वो थे भगवान साहा। तो आपके टोटल हिमाचल में कितने मुख्य आयुक्त थे? 3। पहले थे एनसी मेहता, सेकंड थे ई पेंडल मून और थर्ड थे भगवान साहा। तो जब आपका हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट होती हैं। कौन कौन सी 4 आपकी होती है? चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। ठीक है, टोटल आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट होती है उस समय, चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। और हिमाचल प्रदेश का एरिया होता है 27,018 स्क्वायर किलोमीटर 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका हिमाचल प्रदेश का गठन जो किया जाता है वो टोटल 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के किया जाता है, जिसमें से आपकी 26 शिमला हिल स्टेट्स की थी और 4 आपकी पंजाब हिल स्टेट्स की। और उन्हीं 30 रियासतों को इन डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है, यानी चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। तो आपकी टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब आपका हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ? 4, चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। और आपके पहले मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता और लास्ट थे भगवान साहा। तो आपका हिमाचल प्रदेश 1948 से लेके 1951 तक मुख्य आयुक्त क्षेत्रीय बना रहता है। और उसके बाद आपका 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया जाता है, यानी पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है। उस समय जो आपकी स्टेट्स होती हैं उनको ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। तो आपकी जो हिमाचल प्रदेश था वो ग श्रेणी यानी पार्ट सी स्टेट बन गया था। तो उस समय आपका जो हिमाचल प्रदेश में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल ये आपके पहले थे, हिमाचल के पहले उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल भी बनते हैं। फिर आपके जो आता है 1952 में आपके 36 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन होते हैं। कितनी? 36 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन होते हैं। जो आपकी 36 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन होते हैं उसमें से आपके 24 कांग्रेस जीत जाती है, 24 आपके कांग्रेस को मिल जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनते हैं वो हैं फर्स्ट सीएम थे आपके वाई एस परमार यानी यशवंत सिंह परमार। और ये 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री। फिर आपका 1951 से लेके 1956 तक आपका हिमाचल पार्ट सी स्टेट ही बना रहता है। और आपका 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलय हो जाता है। जो आपका बिलासपुर है वो जब हिमाचल बना 15 अप्रैल 1948 को, तब क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो वहाँ के राजा थे आनंद चंद वो नहीं चाहते थे कि बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया जाए। वो चाहते थे कि बिलासपुर को पंजाब में मिला दिया जाए या फिर उसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ही रखा जाए।
तो उस समय उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, स्वतंत्रता पार्टी, जिसने जो भी आंदोलन प्रजामंडल द्वारा किए गए या जो आपकी जनरल मासिस होती है जनरल पब्लिक द्वारा, वो सब दबा दिए गए। मगर लास्ट में 1 जुलाई 1954 को जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोगों के प्रेशर के अंडर उनको बिलासपुर को हिमाचल में मिलाना ही पड़ा। तो आपकी बिलासपुर हिमाचल में कब मिलती है? 1 जुलाई 1954 को। और ये हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट होती है? ये आपकी हिमाचल की 5th डिस्ट्रिक्ट भी होती है। पहले आपकी 4 थी चंबा, सिरमौर, मंडी, मासू, और 5वीं आपकी आती है बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को। फिर आपका 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है उसके जो आपके चेयरमैन होते हैं वो होते हैं चेयरमैन, वो आपके होते हैं फैजल अली, फैजल अली। टोटल उस आयोग में जो आपके मेंबर होते हैं वो होते हैं 3, एक होते हैं फैजल अली, एक होते हैं के एम पानीकर, के एम पानीकर, और एक होते हैं एच एन कुंजरू। तो ये जो आपकी कमेटी होती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी यानी राज्य पुनर्गठन आयोग, ये आपका 1955 में गठित की जाती है और 1956 में अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो उसमें जो आपके दो मेंबर होते हैं के एम पानीकर और एच एन कुंजरू, ये इस बात की सजेशन देते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला देना चाहिए। मगर जो इसके चेयरमैन होते हैं फैजल अली, वो अपना वीटो यूज़ करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहना चाहिए। तो आपका हिमाचल प्रदेश को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। 1956 में हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बन जाता है। शायद उस समय अगर ये भी अपनी हाँ दे देते तो आज आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा ही होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर 1 नवंबर 1956 को आपका हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसके उपराज्यपाल बनते हैं बजरंग बहादुर। तो आपके हिमाचल प्रदेश के यूनियन टेरिटरी बनने में उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं बजरंग बहादुर। फिर आपका 1 मई 1960 को किन्नौर को हिमाचल की 6th डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। किन्नौर को आपकी हिमाचल की 6th डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। जो आपकी चंबा, सिरमौर, मंडी, मासी 4 डिस्ट्रिक्ट होती है 1948 में, 5वीं आपकी बनती है बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को, और 6ठी बनती है 1 मई 1960 को किन्नौर 6th। ये आपकी मासू की चीनी तहसील को अलग करके किन्नौर नाम से आपकी 6th डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है। फिर आपका 1965 में राज्य पुनर् आयोग वापस बनता है, उसके जो आपके चेयरमैन होते हैं वो है हुकुम सिंह, और जो वो अपनी रिपोर्ट देती है वो 1966 में। जो आप हरियाणा आज देखते हैं वो पहले पंजाब का ही पार्ट था, मगर 1966 में उसे अलग स्टेट बना दिया गया, और उसी समय हिमाचल में भी कुछ एरिया मिलाया गया पंजाब का। तो वो आपका कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिलाई गई? आपकी मिलाई गई कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल और स्पीति। तो अब 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में मिलाई गई, और जो आपका उस समय हिमाचल का एरिया था वो बन गया था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। जो आप हिमाचल का आज एरिया देखते हैं वो 1966 में बन गया था 55,673 किलोमीटर। फिर आपका 1968 में जो हिमाचल की विधानसभा होती है वो हिमाचल को एक राज्य बनाने का जो एक्ट होता है उसको पास करती है, और आपका 18 दिसंबर यहाँ लिख देता हूँ 18 दिसंबर को जो आपकी 1970 जो आपकी इंडियन पार्लियामेंट है वो भी इस एक्ट को पास कर देती है, और आपका 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बना दिया जाता है। और ये देश का कौन सा राज्य बनता है? 18th स्टेट, ठीक है। तो आपकी हिमाचल प्रदेश
25 जनवरी 1971 को एक स्टेट बन जाती है इंडिया की और 18 स्टेट बनती है, ठीक है। और 1972 में आपका हिमाचल प्रदेश को थोड़ा रीऑर्गेनाइज किया जाता है और आपकी कांगड़ा से दो डिस्ट्रिक्टों को बना दिया जाता है, कांगड़ा से निकाल के। तो आपकी एक है हमीरपुर और एक है ऊना, ये आपकी कांगड़ा से निकाल के डिस्ट्रिक्टें बना दी जाती हैं। और आपका शिमला और मासू जो दो डिस्ट्रिक्ट थे इनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है और शिमला और सोलन में बना दिया जाता है, जो आपकी शिमला और मासू है, ठीक है, शिमला और मासू है, इनको डिवाइड करके आपका एक शिमला बना दी जाती है डिस्ट्रिक्ट और एक सोलन, ठीक है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है, समझ जाना। जो आपका 1972 में कांगड़ा से निकाल के हमीरपुर और ऊना दो डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है और शिमला और मासू को रीऑर्गेनाइज करके शिमला और सोलन में बना दिया जाता है। तो आपकी टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है हिमाचल में, टोटल हो जाती है 12। तो आज हम जो 12 डिस्ट्रिक्ट के देख रहे हैं वो 1972 में आपकी बन चुकी थी। और हिमाचल का एरिया आपका 55,673, ये आपका 1966 में बन गया था। तो इस तरह कुछ हिमाचल अपना सफ़र तय करता है कि एक गठन होने से लेके एक राज्य तक बनने तक का। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग दोनों ले सकते हैं। थैंक यू।